सिंबा तो क्या ऐसे ही घूम रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट उठा, थोड़ा सा, क्योंकि रात को 2-2.5 बजे तक मैं ना अपना हॉलीडे का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, फाइनली बैंगलोर में बारिश नहीं आ रही, अच्छा सनी डे है। एंड आज है दशहरा या फिर दसरा, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू गाइस। दैट्स इट। अभी मुझे ना वीडियो एडिटिंग करने बैठना है, क्योंकि भाई साहब 3 ब्लॉग पड़े और एक भी एडिटेड नहीं। पूछता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली की सफाई स्टार्ट करते हैं। और आज की ड्यूटी है सारे घर के कर्टेंस को वॉश करना है, तो लेट्स डू इट। जोरों से चल रही है, ये हिंदी बहुत कम आती है, बट अब आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, आपने सुबह देखा मैंने वो कर्टेंस निकाल दिए थे, और मैंने एक देखो विंडो भी साफ कर दिया। मिरर देखो क्या अच्छे से चमक रहा है भाई साहब। एंड मैंने ग्रिल सब कुछ साफ कर दिया है। और लुक एट द व्यू, लाइक अभी देखो यहाँ से प्यारी सी धूप भी आ रही है, एंड अभी मेरे कमरे का हालत उस कमरे जितनी बड़ी बाहर की साइड है, और यहाँ पे भी देखो। तो आई एम जस्ट गोना क्लीन दिस एंड फिर आपसे मिलता हूँ। हॉल वाली मैंने कर विंडो तो मैंने देखो साफ कर दिया, आप उस तरफ देखो सारे अच्छे से साफ कर दिए, ग्रिल भी साफ हो गई है। एंड इग्नोर मैं पड़ोसियों के घर में जूम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल कर दिए, सिर्फ मेरा रूम बचा हुआ ये करते हैं। और अभी पापा ने बोला है कि कुछ प्रिंट आउट्स निकालने हैं ऑफिस के काम के लिए, तो मैं वो भी निकाल देता हूँ। और क्या बताऊँ, रूम साफ करना बाकी पड़ा है, इग्नोर दिस। सो अभी चलिए पहले पापा के प्रिंट आउट्स निकाल देते हैं, एक दो मुझे अपने लिए भी निकालने हैं, और फिर मैं अपनी रूम की विंडो साफ करता हूँ। एंड आज की सफाई यहीं पर एंड करते हैं। और मैंने ना ये क्लॉक भी साफ किया है, और यहाँ पर ये मैंने बुश जैसा लगा दिया, कितना एस्थेटिक लग रहा है। ओ माय गॉड, अभी तक ना आया नहीं हूँ, बड़ी गंदी शक्ल है, बट कैमरा में अच्छा ही दिख रहा हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और हम यहाँ पे गीज़र ऑन कर देते हैं, और पहले काम कर लेता हूँ फिर नहाने जाता हूँ मेरी चोटी, क्योंकि मैं पंडित जी हूँ। पंडित जी दिखाएंगे हम, कुछ नहीं दिखाएंगे हम आपको, बस ये बता रहा हूँ कि पूरा दिन तो मैंने क्लीनिंग की। और अभी है ना मैंने अपने रूम में देखो बेडशीट लगा के रखे, क्योंकि सारे कर्टेंस वगैरह धुलने गए हैं, तो शायद कल ही आएंगे। सो चादर लगी है, क्योंकि पड़ोसी रात को अपना मनोरंजन कर लेंगे मुझे देख के, इसलिए मैं नहीं चाहता। और अभी मैं बैठ रहा हूँ अपना असाइनमेंट करने के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता, बड़ी घटिया कॉलेज है, एक गिन के 9 दिन की छुट्टियाँ दी हैं, और कोई 900 पेज भरने हैं मुझे, तो वो जिसमें से 3 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए, बाकी के 3 और बचे हुए हैं। तो दिन में ऐसा है कि मेरा मूड बनता नहीं है लिखने का, पढ़ने का, किताब भी उठाने का, क्योंकि इट्स हॉलीडेज़। तो मैं सोचता हूँ, आई एम अ नाइट पर्सन बाय द वे, मुझसे सुबह उठ के जल्दी नहीं पढ़ा जाता है, बट मैं रात को लेट नाइट तक पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, एडिटिंग भी कर लेता हूँ, बक बक भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। सो अभी मैं सोच रहा हूँ अपना असाइनमेंट कर। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? एंड वो तो लकीली फ़ोन बेड पे गिरा, अगर नीचे गिरता ना तो मैं भी बिल्डिंग से नीचे कूद के अपनी आत्महत्या कर लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, कहीं यूट्यूब वो सेंसर ना डाल दे सुसाइड का। जस्ट किडिंग यूट्यूब, जस्ट किडिंग। तो अभी नाउ यू सी दैट वो करूँगा मैं, क्योंकि आई शो यू हाउ डू आई राइट माई होमवर्क। दैट्स इट। तो जी, कल मैंने ना अच्छे खासे पेजेस भर दिए थे, 1, 2, 3 और 2 पेज और भरने। यहाँ पे मैंने सब खोल के रखा है, रिलेशंस
मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, मैं तो सिंगल ही मरने वाला हूँ लगता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे, अभी देखिए और देखिए, तो चार साइड्स भर के मैं सोने वाला हूँ, क्योंकि फिर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी या फिर मैं दूसरा कोई स्टार्ट करके, नहीं एक सब्जेक्ट और है जिसका एक पेज पढ़ना है। मैं यहाँ पे ना अपनी टू डू लिस्ट लगा दूंगा, आप देख सकते हो कि मैंने कितना काम किया कितना नहीं किया। द नेक्स्ट डे, हे गाइस गुड मॉर्निंग, मैं भाई साहब बहुत जल्दी उठे आज, 11:30 बजे उठे हैं। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ अपने कजिन के प्लेस में, सौरभ के घर पे, और उससे पहले मैं जाने वाला हूँ एक घर की सेरेमनी में, तो उसके लिए रेडी होते हैं। पापा भी बस आने वाले हैं, लेकिन एक घंटे का टाइम दिया मुझे रेडी होने के लिए। मुझे अपना बैग पैक भी करना है, नहीं बहुत सारी चीजें रखनी है, और मुझे रेडी भी होना है, नहाना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है। एक घंटे में कैसे होगा? और मैं फोन चला रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक वीडियो अपलोड के लिए डाली है, एंड इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स क्योंकि फोन चला रहे हैं। यहाँ तक पहुँच चुकी है, अपने कच्चे अपने कपड़े वगैरह रख लिए, और इस तरफ मैंने अपना लैपटॉप बुक और चार्जर वगैरह रखा है, क्योंकि दो दिन में बिना अपने सामान के तो नहीं रह सकता ना, मैंने पैक कर लिया। हाँ जी गाइस, तो मैं नहा लिया हूँ और मैंने ये आउटफिट रिपीट किया है, क्योंकि मैं हर रोज नए कपड़े तो नहीं लेके आ सकता ना, सो मैंने ये पहने हैं कपड़े, और नीचे है क्रॉक्स, दैट्स इट। और अभी चलते हैं, बाल वगैरह बाद में सुखा लेंगे, स्किन केयर के लिए टाइम नहीं है। पापा डांट मार रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, लेट्स गो। इसको गाइस चश्मा लगा लिया क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, बैग भी बहुत भारी है। इतना लगेज ले तो लिया, मैं सिर्फ दो दिन के लिए जा रहा हूँ, और ऊपर से है ना, ये वो भी है कि सामान बहुत है, और ये डर भी है कि कहीं मैं कुछ भूल ना गया हूँ। वो फ्रेंड मेरा केस रिटर्न लेके चला गया, थैंक यू भाई साहब, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और हम दोनों के पास सेम फोन है, तो हम ना केस एक्सचेंज करते रहते हैं, ऐसे देते हैं ना एस्थेटिक शॉट्स। गाइस फंक्शन तो अटेंड करके आ गया, और अभी मैं अपने कजिन के घर पे आया हूँ, और सूटकेस बहुत भारी है, सेकंड फ्लोर चढ़ना पड़ेगा, ओह माय गॉड, एंड आई गेस वो घर पे भी नहीं है, बाहर गए हैं, अभी 20 मिनट में आ जाएंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा। फाइनली फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, बट घर पे कोई नहीं है, और जहाँ पे मैं फंक्शन में गया था ना, वहाँ से मैंने स्नेक प्लांट उखाड़ लिया, बिकॉज स्नेक प्लांट है ना आप लगा सकते हो, मुझे मेरे रूम में लगाना है, और ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इंडोर भी लगा सकते हो और आउटडोर भी। एंड मेरे ना लिप्स ड्राई हो गए हैं देखो, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया है, प्यास लगी है। सो गाइस दुकान जाके मैं एक आइसक्रीम और एक कोक लेके आया, क्योंकि प्यास लगी थी, और मामी को शायद 10-15 मिनट्स लग जाएंगे आने में, तब तक मैं क्या ही करूं, इसलिए बाजू में दुकान से मैं आइसक्रीम लेके आ गया। गाइस मैं छत पे आ गया हूँ, बहुत ही अच्छी धूप है, लाइक तो क्या बोलते हैं इसे, कौन सा गोल्डन आर है, लुक एट दिस, और उस तरफ देखो पूरा बहुत ही अच्छा व्यू है, अब लुक एट दिस, लाइक दूर दूर तक बिल्डिंग्स हैं, दिस इज बैंगलोर, ओ माई गॉड। लेकिन यहाँ तो फिर भी थोड़ा थोड़ा खाली है, बट लुक एट दिस। वेल गाइस आज मैं बाइक चला के लेके आया हूँ, क्योंकि हम लोग है ना यहाँ पे दूध लेने आते हैं, तो स्कूटी थी नहीं, वो किसी और के घर पे खड़ी है, तो आज बाइक घर पे थी। पहले तो ये भाई साहब स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि लास्ट 15 दिन से किसी ने ऑन ही नहीं की थी,
और फिर हमने किसी पड़ोसी से हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे ना किक मार के स्टार्ट करनी नहीं आती, मैं शेल्फ से स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड देन फाइनली आई डिड इट, और बीच में एक बार बंद भी हो गई थी, नेवर माइंड, अभी चलते हैं घर। फिर रात को हम बाहर निकले करीबन 8-9 बजे कुछ खाने के लिए, और हमने ऑर्डर किया पोटैटो फिंगर सैंडविचेस और पोटैटो ट्विस्टर्स, काफी अच्छा था बट ये थोड़ा। तो गाइस अभी आफ्टरनून टाइम और हम दोनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं बाहर, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। और भाई साहब का टैब दिखाता हूँ आपको, एप्पल का टैब है, बट ये देखो क्या हिसाब से फोड़ के रखा है इस बंदे ने, ये देखो, और लगता है सारा गुस्सा इसी पे निकालता है। चलो दोस्तों चलते हैं। हे गाइस, अभी मैं अपने कज़िन के प्लेस पे और व्लॉग एडिट कर रहा था, सोचा एंडिंग अभी कर देता हूँ, तो यहाँ का व्लॉग भी चल रहा है, ये नेक्स्ट व्लॉग आपको यहाँ का दिखने मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय। दोनों कंप्लीट करके आई विल बी डन, मैं यहाँ पे ना अपनी टू डू लिस्ट लिख लूँगा, मैं यहाँ पे ना अपनी टू डू